उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजगंज के गेस्ट हाउस में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। युवती के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। युवती की चीख पुकार और हंगामे की सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। युवती रोते बिलखते मिली और काफी डरी हुई थी। ये घटना 11 नवंबर की रात 12 बजे की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि सई चौकी क्षेत्र में रिच होम स्टे में कोई घटना हुई है, तो पुलिस वहां पहुंची। अंदर देखा तो एक युवती के चीख पुकार की आवाज आ रही थी। होम स्टे में एक युवती बदहवास हालत में मिली, वो बुरी तरह से रो रही थी। युवती ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके साथ गलत हुआ है, उसे युवकों द्वारा जबरन शराब पिलाई गई। इस दुष्कर्म में होम स्टे संचालक रवि और उसके मित्रों का हाथ है। होम स्टे को बंद कराया जा रहा है। बताया गया है कि होम स्टे के मालिक ने इसे किराए पर दे रखा था। इसके साथ ही एक महिला को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। एसीपी ने बताया कि पीड़ित युवती से पूछताछ में सामने आया है कि उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया, इसके चलते उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। शनिवार को भी उसे ब्लैकमेल किया गया, जबरन शराब पिलाई गई और उसके बाद कमरे में दबोच लिया। आरोपितों ने उसके साथ गलत काम किया।